हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं ओथेलो, अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, इस प्ले की हमने समरी डिस्कस की, कैरेक्टर्स डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट कोटेशंस डिस्कस की। अब हम इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पॉइंट वाइज लेंगे। आप पॉइंट वाइज एक एक सेंटेंस को देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, और फ्रेंड्स आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्ले से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आपको तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ड्यूक है, ड्यूक ओथेलो को एक एडजेक्टिव देता है, और क्या एडजेक्टिव देता है? वो कहता है वेलायंट, और वो ओथेलो को वेलायंट ओथेलो कह के पुकारता है। क्या कहता है फ्रेंड्स? वेलायंट ओथेलो। कौन कहता है? ड्यूक। बात क्लियर है फ्रेंड्स? कैसियो ओथेलो को इन्फॉर्म करता है कि जो ड्यूक ऑफ वेनिस है वो ओथेलो से मिलना चाहता है। और मिलना क्यों चाहता है? जो मीटिंग है वो एक्चुअल में साइप्रस को लेकर है, क्योंकि साइप्रस को बचाना है टर्क्स के अटैक से। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो ओथेलो को कौन इन्फॉर्म कर रहा है? कैसियो। क्या इन्फॉर्म कर रहा है? दैट ड्यूक वॉन्ट्स टू मीट हिम। बात क्लियर फ्रेंड्स? द मीटिंग इज अबाउट साइप्रस। मीटिंग जो है वो साइप्रस को लेकर है, साइप्रस टू प्रोटेक्ट इट। फ्रॉम द अटैक ऑफ टर्क्स। अब आप सोच रहे होंगे वहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, फिर यहां हम कैसे लर्न करें? देखिए, जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं आपको, इन पॉइंट्स को आपको लर्न करना है। कभी भी जो क्वेश्चन लर्न करने हैं वो ऑब्जेक्टिव मत याद कीजिएगा, पॉइंट वाइज क्वेश्चंस को लर्न कीजिएगा। आपको जहां क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सीधा आंसर आना चाहिए बिना ऑप्शन देखे। क्लियर है फ्रेंड्स? और अगर आप इस चीज में सफल हो गए तो आपको ये मान के चलिएगा बिल्कुल भी जो डाउट वाले क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनमें कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा। यहां देखिए, ये जो तीन लाइन लिखी है इससे भी दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि हु इन्फॉर्म्स ओथेलो, कौन इन्फॉर्म कर रहा है कैसियो को। हु वॉन्ट्स टू मीट ओथेलो, ड्यूक वॉन्ट्स टू मीट ओथेलो, ड्यूक मिलना चाहता है। क्यों मिलना चाहता है? टू इन रिगार्डिंग साइप्रस अटैक। क्लियर फ्रेंड्स? टर्क्स अटैक ऑन साइप्रस। तो कई क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं आपको, इसी तरह से आप लर्न करते जाइएगा। ओथेलो लेफ्ट वेनिस फॉर साइप्रस। अब ओथेलो को भेज दिया जाता है वेनिस, वेनिस से साइप्रस के लिए भेज दिया जाता है एट द सेम नाइट ऑफ हिज मैरिज। जिस दिन उसकी शादी होती है उसी रात को उसको भेज वेनिस। फॉर साइप्रस ऑन द सेम नाइट ऑफ हिज मैरिज। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? जिस दिन शादी होती है उसी रात को ओथेलो को वेनिस से साइप्रस के लिए भेज दिया जाता है। इयागो को लगता है कि जो वीमेन होती है, महिलाएं होती हैं, आर प्लीजिंग आउटवर्डली, कि वो बाहर से तो प्लीजिंग होती है, सुंदर होती हैं, लेकिन इनवर्डली दे आर वायलेंट, फियरफुल एंड ड्रामेटिक, कि अंदर से वो वायलेंट होती हैं, फियरफुल होती है, डरावनी होती है, एंड ड्रामेटिक और नाटकबाज होती है। किसको लगता है फ्रेंड्स? ये लगता है इयागो को।
यागो थिंक्स दैट women are pleasing outwardly कि जो महिलाएं हैं वो बाहर से प्लीजिंग होती है, सुंदर होती है, बट इनवर्डली दे आर वॉयलेंट, लेकिन अंदर से वो कैसी होती है फ्रेंड्स, वॉयलेंट होती है, फियरफुल एंड ड्रामेटिक। बात क्लियर? तो चलिए ये पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां लर्न हो जाएंगे, पूरा प्ले ही आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। अब देखिए जो इयागो है वो मोटिवलेस विलन है, कोई मोटिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो विलन का रोल प्ले करता रहता है। अब इयागो को ये लगता है कि जो ओथेलो है उसके भी इमिलिया के साथ अनैतिक संबंध है, कि उसने भी इमिलिया को मींस इमोरल किया हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स? Iago thinks that Othello has seduced his wife Emilia. Point clear हो गया? Cassio was in the habit of intoxication. प्ले में अगर शराब की लत किसी को है, शराब पीने कोई कैरेक्टर पीता है, तो वो कौन पीता है फ्रेंड्स? वो Cassio पीता है। Cassio was, Cassio is in the habit of intoxication. बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? इयागो अब जो Cassio शराब तो पी लेता है, लेकिन उसको पीने के लिए कौन उकसा रहा है, कौन उसको फोर्स कर रहा है पीने के लिए? तो वो करता है इयागो। इयागो फोर्स Cassio टू ड्रिंक। इयागो रोड्रिगो को भेजता है Cassio के पास ताकि वो उसको अटैक करने के लिए उसको उकसा सके। क्लियर फ्रेंड्स? कौन भेजता है? इयागो किसको भेजता है? रोड्रिगो को Cassio के पास। इयागो सेंड्स रोड्रिगो टू Cassio सो दैट ही मे इंस्टिगेट हिम ताकि वो उसको उकसा सके टू अटैक अटैक के लिए। बात क्लियर फ्रेंड्स? जो मोंटानो है, मोंटानो कौन है फ्रेंड्स? मोंटानो है गवर्नर ऑफ साइप्रस, वाज बीटन बाय Cassio। उसको कौन पीट देता है? Cassio उसको पीट देता है। क्लियर फ्रेंड्स? मोंटानो इज बीटन बाय Cassio। समझ में आ रहे हैं फ्रेंड्स पॉइंट्स?
चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए जो डेजिमोना है उसके पास जो हैंकर चीफ है वो हैंकर चीफ ओथेलो को दे देती है। क्यों देती है? एक्चुअल में उसको हेडेक है, उसको सर में दर्द है, इस कारण वो उसको हैंकर चीफ देती है। लेकिन ओथेलो इसको रख लेता है, एक तरफ रख देता है और वो फिर जमीन पे गिर जाता है। और जमीन पे गिर जाने के बाद क्या होता है कि जो इमिलिया है वो उसको चुरा लेती है और इयागो को वो पास ऑन कर देती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां पॉइंट हम लिखते हैं कि डेस्डिमोना गिव्स द हैंकरचीफ टू ओथेलो। क्यों दे देती है? ड्यू टू हिड हिज हेड पैक। ही कीप्स इट असाइड एंड इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? क्या बात बतानी चाहिए जा रही है इसमें? अब इसके बाद एक पॉइंट और बनता है। क्या बनता है कि जो इमिलिया है इयागो की वाइफ वो इस हैंकी को क्या करती है? प्राप्त कर लेती है, वो इसको चुरा देती है। वाइफ ऑफ इयागो गेट्स दिस हैंकरचीफ। हैंकी। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? अब जो इयागो है अब आगे रोल क्या प्ले करता है वो वैसे तो कहानी में आपने पढ़ लिया है, फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखता जा रहा हूं यहां। अब इयागो क्या करता है फ्रेंड्स? उस हैंकी को लेता है और कैसियो के रूम में डाल देता है। और किस लिए डाल देता है? ताकि वो ये प्रूव कर सके कि कैसियो के पास जो रुमाल आया है वो डेस्डिमोना से आया है, डेस्डिमोना के कैसियो से अनैतिक संबंध है, इसलिए डेस्डिमोना ने ओथेलो का रुमाल जो है वो कैसियो को दे दिया। क्लियर? तो इस बात को प्रूव करने के लिए जो इयागो है उस हैंकी को कैसियो के रूम में डाल दिया। कैसियोज रूम एज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कैसियो एंड डेस्डिमोना। पॉइंट क्लियर होगा फ्रेंड्स? अब जो ओथेलो है उसके मन में भ्रम भर दिया जाता है, उसके मन में डाउट डाल दिया जाता है कि कैसियो के और डेस्डिमोना के जो अवैध संबंध हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ओथेलो प्लान कर लेता है कि उसको जो है जो प्रेम है उसका, चूंकि वो डिसलॉयल हो गई है उसके प्रति फेथफुल नहीं है, इसलिए वो डेस्डिमोना को मारेगा। और कैसे मारेगा? वो मारना चाहता है पॉइजन देके। ओथेलो वांट्स टू गिव पॉइजन टू डेस्डिमोना। लेकिन यहां भी या वो चाल चलता है, वो क्या करता है फ्रेंड्स? वो कहता है कि तुम्हें पॉइजन नहीं देना चाहिए इसको, जिस बेड पर ये डिसलॉयल रही है, अनफेथफुल रही है,
जिस बेड पर ये दूसरे के साथ शेयर किया है, और उसी बेड पर तुम्हें इसकी हत्या कर देनी चाहिए। क्लियर? और तो पॉइजन का भी प्लान वो ड्रॉप कर देता है, किसके कहने पर? इयागो के कहने पर। देन ही ड्रॉप्स द प्लान। एंड डिसाइड टू स्ट्रैंगल हर। और क्या कर लेता है उसके बाद? फिर वो उसको गला घोट के मारने के लिए वो अपना माइंड मेकअप कर लेता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, एक जगह ओथेलो डेस्डिमोना को एक प्रोस्टिट्यूट कहता है। ओथेलो एड्रेसेस डेस्डिमोना एज ए प्रोस्टिट्यूट। बात क्लियर है फ्रेंड्स? ओथेलो बीइंग सस्पिशियस ऑर्डर्स इयागो टू किल कैसियो। जब इयागो कन्विंस कर देता है ओथेलो को कि कैसियो के अनैतिक संबंध है, तो जो ओथेलो है वो इयागो को ही ऑर्डर दे देता है कि तुम कैसियो को मार डालो। टू किल कैसियो। फ्रेंड्स, आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जो डेस्डिमोना है वो कौन से एक्ट में मारी जाती है और कौन से सीन में वो मारी जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए तो अपना प्ले उठाइए, सर्च कीजिए और मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। क्लियर फ्रेंड्स? अब जो रोड्रिगो है, रोड्रिगो की जेब में दो लेटर पाए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? मोंटेनो इयागो को एक नोटोरियस विलेन कहता है। कौन कहता है फ्रेंड्स? मोंटेनो जो गवर्नर है साइप्रस का, वो इयागो को एक नोटोरियस विलेन कह रहा है। कौन कह रहा है? मोंटेनो। नोटोरियस विलन ब्रवंसियो ओथेलो को कह रहा है कि ओथेलो तो प्रैक्टिशनर ऑफ ब्लैक मैजिक है, कि ये तो कोई जादू टोना करने वाला व्यक्ति है और इसने जादू टोना करके मेरी जो बेटी है यानी डेस्डिमोना को अपने वश में कर लिया है। कौन कह रहा है फ्रेंड्स? ब्रवंसियो। कॉल्स अ प्रैक्टिशनर ऑफ ब्लैक मैजिक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इयागो है वो कैसियो को कहता है, क्या कहता है कि तुम तो एक ऑनेस्ट फूल हो, तुम तो एक ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे बेवकूफ हो जो ईमानदार है। इयागो
कॉल्स कैसी यू एन ऑनेस्ट फूल। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो प्ले ओथेलो लिखा गया, ये किंग जेम्स फर्स्ट को एंटरटेन करने के लिए विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा था। रिटन फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। क्लियर फ्रेंड्स? कब लिखा ये तो आपको मालूम ही होगा। देखिए एक करेक्टर है कैसियो। कैसियो का जो क्रिश्चियन नेम है वो है माइकल। क्या है? माइकल। माइकल यागो कहता है कि जो डेस्डिमोना है इज अ वूमन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अपील, कि जो डेस्डिमोना है वो इतनी सुंदर है कि उसमें तो सेक्सुअल अपील है। क्लियर फ्रेंड्स? कौन कहता है इस बात को? यागो। इज अ वूमन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अपील। क्लियर फ्रेंड्स?